जानकारी दे पुलिस क्या करे, तुम्हारी ड्यूटी किसके पास है? अमलदार कौन? और एक किलोमीटर पर रोड के ऊपर पांच दिन से डंपर खड़ा है, रात दिन कितने लोग टकरा गए, शर्म नहीं आती तुमको? सर निवेदन है, मैंने आदमी भेजा था, वो डिस्टर्स नहीं खिंचाया था, तो मैंने इसीलिए बोला। अरे डिस्टर्स नहीं खिंचाया तो वहाँ कम से कम लगा दो, रेडियम लगा देते ताकि लाइट में दूसरे दिखता लोगों को। सर अभी मेरे सामने चार लोग टकराए, पूरे गांव ने घेरा। सर दो मिनट रुकिए सर, मैंने एएसआई को लगाया, मैंने इसीलिए बोला कि आप जाके रेडियम लगा दो। सर मैं अभी बोल चुका हूँ सर, आप चाहें तो अभी आपके सामने पूरा थाना सस्पेंड बर्खास्त, वो नौकरी लायक नहीं हो, तुमको जेल भेजना थी, FIR होगी तुम्हारी, 300 लोग दुर्घटना उसके लिए दोषी तुम, पूरा थाना तुम्हारा दोषी। सरकार की सब छवि खराब करके रखे हो तुम। सर बिल्कुल नहीं करी सर छवि खराब, सर छवि अच्छी हो रही। अरे यार शर्म आनी चाहिए तुमको, पांच दिन से डंपर खड़ा है वहाँ रात दिन। सर मैं सही कह रहा हूँ सर, ये खड़ा है सर, मेरा सही में समय। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो पार्टी के होने तुम भी? हाँ, हाँ। तो तुमको धर्म नहीं आती पार्टी हो रही बात? जैसे बोला मैंने टिकट सर, मैंने मैंने तुमको नौकरी करा दो, FIR होगी अभी हटाओ जाके। सर 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 मान लीजिए तुम लोगों को सरकार को बदनाम करते हो सर, बिल्कुल नहीं मिलते तुमको सर, गंदा गाय के लिए देते हैं। और तुम छुट्टी गए तो तुम्हारे थाना इंस्पेक्टर SI होगा, हेड कांस्टेबल होगा, कौन के क्षेत्र के अंदर है? थाने से 1 किलोमीटर पे 5 दिन तक रोड के ऊपर खड़ा जनता बगैर उसके रेडियम के लगा हुआ, कितने लोग टकरा चुके हैं अभी तक उसमें, कितने लोगों की जान गई? तुम जान बचाने के लिए, जान दिलवाने के लिए, जान बचाने के लिए सर कहाँ हो? बिल्कुल तुम्हारे कारण सरकार की बदनामी होती है, ऐसे भ्रष्टाचार निकम्मे अधिकारियों के कारण। सर आप मेरे बर्खास्त।